कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाएगा, पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जो आदमी रोज नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, रोज अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता था, रोज देश की जनता से कहता था, डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। मुझे लगता है कांग्रेस का दुर्भाग्य है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी अब रायबरेली और दोनों जगहों से वायनाड से भी इलेक्शन हारेंगे। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। आप मेरी बाइट, मेरे ट्वीट्स देख लीजिएगा, और प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। पार्टी और परिवार की जो साजिश है उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई हैं, और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी से पलायन किया है, उनकी जगह कोई अगर कोई और नेता होता जो अपनी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता, तो अगर राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना था तो फिर तो बनारस मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए था। राहुल गांधी की चर्चा आजकल पाकिस्तान में भी हुई, उनकी खूब वाहवाही हो रही है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन मुल्क है, पड़ोसी भी है लेकिन दुश्मन मुल्क है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमारे कितने ही जवानों को शहीद किया है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हिंदुस्तान की बर्बादी का ख्वाब देखा, मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर के और नवाज शरीफ तक, इमरान खान तक। हिंदुस्तान की बर्बादी का ख्वाब देखने वाले ये पाकिस्तानी अगर राहुल गांधी की तारीफ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर हिंदुस्तानी, हर देशभक्त के दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता। सर, आपने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो राष्ट्रपति जी वहाँ गए थे अयोध्या में, तो उनके खिलाफ भी एक महाभियोग जारी कर दिया। मैंने क्या कहा, इतिहास साक्षी है। ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रह गई जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। ये कांग्रेस जिहादियों की कांग्रेस हो गई है, भारत विरोधियों की कांग्रेस हो गई है, भारत के टुकड़े करने वालों की कांग्रेस हो गई है। ये कांग्रेस वो कांग्रेस थोड़ी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती थी। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जो मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चल रही है। अधिकांश लोग कांग्रेस छोड़कर अब जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि फ्यूचर किस तरीके से दिख रही है कांग्रेस का आने वाले समय में? पहली बात तो ये कांग्रेस रही नहीं है, तो अब इसे खत्म हो जाना चाहिए। जो पार्टी, जो पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो ऑर्गेनाइजेशन देश के खिलाफ हो, उसे देश में नहीं रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस रास्ते पे चल रही है वो पलायन का रास्ता है, वो देश विरोध का रास्ता है। जो भारत की बात करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता, जो राम की बात करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता, जो सनातन की बात करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता, जो हिंदू की बात करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता, जो भारत की संस्कृति सभ्यता की बात करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। तो जो जिस कांग्रेस में भारत को चाहने वाले नहीं रह सकते, जिस कांग्रेस में देशभक्तों के लिए कोई जगह नहीं है, तो माफ करना, देश में भी कांग्रेस के लिए जगह नहीं है।